हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा कि सैमसंग ने अपने जो नए चिपसेट सैमसंग का एग्जिनोस 2200 है उसका जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है और इंडिया में लॉन्च वगैरह हो गया है। तो यहाँ पे मैं जो है आपको कंपेयर करने वाला हूँ सैमसंग का एग्जिनोस 2200 को स्नैपड्रैगन 888 के साथ, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर जो है वो फ्लैगशिप ग्रेड के प्रोसेसर है। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, किसका परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो ज़्यादा है। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के एग्जिनोस 2200 से। तो यहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चर है वो आपको 1.0 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स X2 मिलता है और 3.24 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स A710 मिलता है एंड 4.18 गीगाहर्ट्ज़ पे कॉर्टेक्स A510 मिलता है। वहीं स्नैपड्रैगन 888 में 1x2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे क्रायो 680 प्राइम मिलता है कॉर्टेक्स X1 के साथ और 3x2.42 गीगाहर्ट्ज़ पे क्रायो 680 गोल्ड मिलता है कॉर्टेक्स A78 के साथ और 4x1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्रायो 680 सिल्वर मिलता है कॉर्टेक्स A55 के साथ। दोनों ही जो वो 8 कोर्स पे बेस्ड है और दोनों ही में जो आपको 4 नैनोमीटर का जो वो साइज मिलता है आर्किटेक्चर और प्रोसेस जो है मिलता है। और यहाँ पे जो GPU है वो एग्जिनोस 2200 में सैमसंग एक्सक्लिप्स 920 जो है आपको मिलता है इसमें और स्नैपड्रैगन 888 में एड्रीनो 660 मिलता है। और जो GPU फ्रीक्वेंसी है वो आपको एग्जिनोस 2200 में 13 मेगाहर्ट्ज़ का जो है आपको GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है और स्नैपड्रैगन 888 में 840 मेगाहर्ट्ज़ का जो है आपको GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है। जो रैम है वो आपको दोनों ही में LPDDR5 रैम जो है वो सपोर्ट करेगा और UFS 3.1 जो है वो एग्जिनोस 2200 में एंड स्नैपड्रैगन 888 में UFS 3.0 एंड 3.1 का जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही में आपको 5G नेटवर्क मिलते हैं एंड ब्लूटूथ 5.2 जो है आपको दोनों ही में सपोर्टेड मिलते हैं। सो गाइज, ये तो हो गया कुछ टेक्निकल स्पेक्स जो इसके क्या क्या हैं इन दोनों के। अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद परफॉर्मेंस वगैरह में कितना बूस्ट वगैरह मिलता है, किस में क्या सिमिलैरिटीज है, तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे CPU परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं दोनों ही प्रोसेसर का बिल्कुल सेम है। गेमिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 में जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। बैटरी लाइफ जो है वो आपको स्नैपड्रैगन में अच्छा मिलता है इन कंपेयर टू एग्जिनोस 2200। नैनो रिव्यू स्कोर में आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 888 वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोर देता है। इंटूटिव स्कोर जो है आप देख सकते हैं इसमें आपको जो वो एग्जिनोस 2200 जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। और गीकबेंच में देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो एग्जिनोस का स्नैपड्रैगन 888 का जो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों प्रोसेसर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कभी CPU परफॉर्मेंस, कभी गेमिंग परफॉर्मेंस, ये सब में आपको जो स्नैपड्रैगन 888 में जो वो ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बैटरी लाइफ इवन स्नैपड्रैगन 888 में ज़्यादा अच्छा मिलता है आपको। सो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देख सकते हैं कंपैरिजन कर इन दोनों का जो मैंने चार्ट दिखाया। तो अगर इन दोनों प्रोसेसर के साथ कोई के साथ भी जो है आपको आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन 888 हो या एग्जिनोस का 2200, दोनों ही प्रोसेसर जो है वो काफ़ी बीस्ट लेवल के हैं, इसमें काफ़ी अच्छा गेमिंग वगैरह और प्रोसेसिंग सब कुछ जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको ज़्यादा सेलेक्ट वगैरह नहीं करना है। अगर आप सैमसंग के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपका एक अच्छा फ़ोन मिल रहा है सैमसंग एग्जिनोस 2200 के साथ तो उसके साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो आप स्नैपड्रैगन 888 के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ही प्रोसेसर जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।